तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में गेम वे। तो आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन एमराल्ड वापस कंटिन्यू करने वाले। तो कल हमने पूरा मोबाइल सिटी एक्सप्लोर किया था और आगे हम लोग राइट ऊपर साइड जाके हम लोग ने ट्रेनर से लड़ा था। एक हम लोग ने घर के जो फैमिली मेम्बर्स थे सबको हराया था, वो लोग भी ट्रेनर से थे। फिर हम लोग को वहाँ पर एक बड़ा टावर दिखा है, हम लोग को वहाँ जाके एक्सप्लोर भी करना है। तो देखते हैं हम लोग क्या करना है पहले। उससे पहले वो सब करने से पहले गाइस, लेफ्ट में बहुत सारे ट्रेनर्स है, इनसे एक बार लड़के आते हैं हम लोग। ये फिर हम लोग को पता नहीं ना, अगर वहाँ जाके हम लोग वहाँ पे अटक गए तो फिर यहाँ भी एक बार जाकर आते। चलो इसको देखते हैं अभी। ट्राई एथलीट डायलन नाम है इसका। डोडो भाई सही, मतलब गाइस हम लोग को आगे अच्छे अच्छे पोकेमॉन मिलने वाले। अब डोडो तो मैं पकड़ूंगा नहीं, फिर भी थोड़ा अलग पोकेमॉन तो दिखे, वरना पोचियाना माइनन ये सभी दिखते रहते। 39 का हो गया यार इसका टाइल। चलो हरा दिया, सही है। ये बंदा चाहता है कि हम लोग उसको ट्रेन करें। यहाँ देखते हैं यार हम लोग कौन से पोकेमॉन मिल रहे हैं। एक घास में कोई फाइट टाइप मिल जाए मतलब। अरे यार ओडिश क्यों भाई है, यही समझ नहीं आ रहा मेरे को। रही अपने को एक दो पोकेमॉन ही दिख रहे ना कब से, बस तो रेयर पोकेमॉन दिखेगा तो मजा आए। फैन क्लब अच्छा है ना, उधर था पिछली सिटी में था फैन क्लब ना, सही है। चलो अभी देखते वापस घास में कोई फाइट टाइप। लो भाई पूछा है ना तो मेरा क्या ही बोलूँ मैं, पूछ हाइना नाम है इसका। पूछा ना बोल रहा मैं, पर अगर देखा जाए ना पूछ हाइना नाम है। यही मिलते रहता है बस, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता मेरा। इन सब फाइट के थोड़ा और आगे जाके देख के आते हम लोग फाइट होने के बाद इन सब ट्रेनर से। ये क्या है ब्रीडर, विस्मर छोड़ा पहले ही। सही है यार, चलो विस्मर गया। अब क्या भेजेगा ये टेलो, सही है। अब लोगों ने अभी टोटल 3 जिम जीते हैं ना, अभी चौथे जिम की तरफ बढ़ना है अपने को। टाइम तो लेगा चौथा जिम, उससे भी बहुत सारे मिशंस आएंगे हम लोगों को पता है, तो जितना जल्दी हम लोग कर सकते उतना जल्दी करेंगे। इसके लिए आजकल मैं 25 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो शूट करता हूँ। पहले कैसा 15 मिनट का करता था, अभी 20-25 मिनट का तो करता ही हूँ। तो वही है, चलो ज़िगज़ागुन। बंदे का नाम ब्रीडर है पर इसने ऐसा कुछ अच्छे पोकेमॉन ब्रीड नहीं किए, सब नॉर्मल टाइप पोकेमॉन ही है। एरोन नाइस, एरोन को क्या मारू यार, मतलब समझ नहीं आता। ऑब्जर्व मार के देखते, भाई खा लिया पूरा। कैपिटल का अब्जॉर्ब भी इतना पावरफुल है, देखो भाई इसकी एरन को पूरा खा लिया एक ही अब्जॉर्ब में। 6 पोकेमॉन पूरे लाया है ये, इसके 6 पोकेमॉन सबको मारना पड़ेगा। चलो ये बंदे का 6 पोकेमॉन मारने के लिए मेरे को बस 6 अटैक करना पड़ा, सही है। माको हीटा फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। चलो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 अटैक हो जाएगा या 7 से भी ज़्यादा। अभी तो 7 अटैक दे दिया उसने, मेरा एक्यूरेसी गिरा दिया।
चलो 7 से भी ऊपर हो गया अटैक मिस्ड, सही है भाई। कम ऑन यार स्केप्टाइल भाई, मतलब क्या ही। चलो कट कट उतने आसानी से मिस नहीं होता। चलो भाई 6 पोकेमॉन हराना इतना टाइम ले लिया। ओके रजिस्टर्ड ब्रीडर आइसेक इन द पोकेन ऐप, सबको रजिस्टर करते हम लोग जिसको भी हरा देते भाई। मतलब आगे तो वो वेरिएंट ऑफ टाउन है ना आगे, मतलब इधर तो टाउन ही है आगे एक। तो मैं क्या सोच रहा हूँ उससे मेरे ऊपर जाके देख क्या देखा उधर, यहाँ पे तो टाउन ही है ना। काम होता है ऊपर जाके देख कर आते एक बार, मतलब यहाँ से हम लोग को टाउन जाना है अलग दूसरे वेरिएंट ऑफ। तो सोचा उससे पहले हम लोग ऊपर जाकर वो सब टाउन वो सब ये बोलते ना वो जो टावर है वो सब एक्सप्लोर करके आते हैं, बना फिर कर नहीं पाएंगे ना। तो उससे पहले ना मैं रॉक स्मैश सिखा देता हूँ किसी पोकेमॉन को, आगे पत्थर भी फोड़ना है अपने को जाकर। चलो एक मिनट, बैग में है HM, ये रहा। फाइटिंग टाइप अटैक है रॉक स्मैश, मेरे को लगा कोई एबल नहीं है। सबली भाई मेरा गोश्त है पोकेमॉन रॉक स्मैश सीख रहा है, सही है भाई काम हो जाएगा फिर। चलो अभी निकलते हम लोग यहाँ से, टावर चेकआउट करके आते हैं फटाफट। आगे फिर टाउन ही आ रहा है ना नया, तो उससे हम लोग पहले एक चेकआउट करके आते, हील कर लेते पहला। स्केप्टाइल का पीपी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया ना, आगे क्या पता वहाँ भी बैटल हो तो सही। हम लोग हमारा पोकेमॉन स्विच कर लेते ना, विंगल रखता हो ये अपना पहली पर रखता हो आगे, बहुत टाइम हो गया पहली पर से भी लड़ के। ये रहा, पहले हम लोग एक घर जाके देख कर आएंगे पहले, क्योंकि हम लोगों ने सबको हराया था ना तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए लोग। अच्छा ओ भाई सही है, मैको ब्रेस माचो ब्रेस। ओके सही है यार, चलो कुछ खास दिया नहीं लोग ने। अभी हम लोग यहाँ रॉक स्मैश करके देख कर आते हैं आगे, टावर भी एक्सप्लोर करने से पहले। अरे ये क्या था, अभी पत्थर तो तोड़ते ही जीड़ पत्थर बन के बैठा था क्या, क्या ही यार। चलो वाटर गन देते इसको, सुपर इफेक्टिव था बहुत सही। इधर क्या है यार, यहाँ भी लड़ाई ही आ गया, मतलब फिर भी हम लोग आगे देख कर आएंगे आगे है क्या। अगर ऐसा घास फिर रहेगा तो वहाँ भी पोकेमॉन मिलेंगे,
मेरे हिसाब से फाइव टाइप पोकेमोन ही मिलेंगे हम लोग को वहाँ पे, तो देख कर आएंगे हम लोग वहाँ पे है क्या आगे पे। फिर हम लोग टावर चेकआउट करने के बाद वेरिएंट ऑफ टाउन की तरफ जाएंगे। सही, यार मतलब स्ट्रोमिश को कब जब भी कोई फिजिकल अटैक करे कुछ ना कुछ करा ही देता है पोकेमोन को मेरे, कसम से। क्या यार मतलब, चलो अपना कड़ावरा यूज करते हैं अभी। मैरिल है सामने, हो जाएगा यार, कड़ावरा मार देगा मैरिल को आराम से। साइबीम, बहुत बढ़िया। बस यार अपन इतना अटैक मतलब इतना ट्रेनर से लड़ रहे हैं, आगे कुछ अच्छा होना चाहिए यार, मतलब कोई अच्छे पोकेमोन पकड़ने के लिए मिल गया ना तब जाके मजा आएगा। कोई फाइट टाइप पोकेमोन पेलीपर को ना हटा देता हूँ ना बेरी वेरी देकर, मेरा मालूम पड़ा बैठे रहेगा उधर ही। ड्राई है ये, चलो बेरी खिलाते इसको। स्ट्रोमिश मतलब वही बहुत बोलते हैं ना, क्या ही बोलूँ, अलग टाइप पोकेमोन है बहुत वो। उसमें हम लोग फिजिकल अटैक करेंगे एक तो पॉइजन लग जाएगा, एक तो पैरालाइज हो जाएंगे या फिर सो जाएंगे हम लोग। चलो इससे लड़ते हैं अभी। कैंपर ट्रैविस नाम है इसका। सैंस्ट्रू, सही है, पर अभी वाटर पल्स यूज करेंगे इस पर, इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव तो रहेगा ही, सैंड टाइप है ना। सही, अभी आगे हम लोग को शायद मैं भी मिलेगी, मैं तो मिली थी ना अपने को, टाइम हो गया मैं से मिलके भी। अभी कहाँ जाना है, इधर क्या है अभी, अच्छा यहाँ से जा ही नहीं सकते हम लोग, गलत। सैंटा पोकेमोन चाहिए मतलब यहाँ से जाने के लिए, ऐसा ही कुछ है। इधर तो भाई पूरा लोग आए, स्पार्टा पोकेमोन पहला हमारे सामने न्यूमल, क्या करूँ इसका मैं, पकड़ू कि नहीं इसको देखते हम लोग। और थोड़ा चेकआउट करते हैं, यहाँ पे पहले न्यूमल मिला हम लोग को, और कोई फाइट टाइप पोकेमोन रहेगा तो मज़ा आ जाएगा यार, मतलब मिल जाए। न्यूमल ही मिल रहा है गाइस, क्या करूँ यार, पकड़ने का मन तो हो रहा है न्यूमल बहुत, बट मेरे को लगता है और अच्छे पोकेमोन मिलेंगे। रुकते हम लोग, रुकते और देखते कि कितना पावरफुल है ये। यह आगे जाने का भी रास्ता दिख रहा है मुझे, तो हम लोग ऊपर जाकर भी देख कर आएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे पोकेमोन कौन से मिल रहे। चलो इससे लड़ते, इससे लड़के आगे जाते। ट्रेनर तो बहुत है आज, आज के एपिसोड में टेलो, बढ़िया। तो हम करेंगे इस पे स्टील विंग यूज, मर गया टेलो भी। लोमरी, चलो पहली पर मार देगा ना, फ्लैंक टैप भी अपना पहली पर। स्टील विंग और ये खत्म। यार नॉट वेरी इफेक्टिव क्यों है यार, ग्रास टाइप पोकेमोन है क्या है, अब खाएगा ना पहली पर कोई फटे तक, उन्हें खाया। विंग अटैक कमन, चलो
खत्म कर दिया, ये सुपर इफेक्टिव है। सही है भाई। अच्छा बेसिकली स्टील विंग तो स्टील टाइप अटैक हुआ ना अगर अपना ऐसा देखा जाए तो, इसलिए शायद नॉट वेरी इफेक्टिव है। ये क्या जगह क्या है, ये माउंट चिनमी क्या, केबल का रहे ऊपर जो भी हो। ये इधर एक क्या है गाइस सामने जो खड़े लोग, ये कौन है? मेरे को लग रहा है वो दूसरी टीम है, जो टीम एक्वा की जो राइवल टीम है ना वो है मेरे को लगता है। लाल कपड़ा पहने लोग ना। सही है यार, देखेंगे अभी। देख फायर टाइप पोकेमॉन तो हम लोग पकड़ेंगे कुछ भी हो जाए, प्लस एक लाइटनिंग टाइप पोकेमॉन भी चाहिए ही चाहिए अपने को, पर हमारा टीम फिर फुल हो जाएगा। देखते हैं इनसे भी लड़कर, वाटर पल्स ही यूज करूंगा इस पे भी। सही है यार, मतलब पहली बार भी बहुत स्ट्रांग हो गया हमारा ना, मार देता है अभी एक एक अटैक में सबको। चलो इनसे बात करते हैं अभी। व्हाट थिंग यार, क्या बात कर रहे, देखो ना। अच्छा ऐसा था, मतलब हो गया इतना ही है, ये लोग अपने को तो इग्नोर ही कर रहे हैं पूरा। कम बैक, अच्छा सही है फिर। ओ भाई ये क्या है, फायरी पैथ। ओ भाई यार तो एकदम अलग ही शॉट है यार। यार न्यूमल ही मिल रहा है मुझे, न्यूमल तो अच्छा लगता है, बट फिर भी एक मैगबार मिल गया ना अगर फाइट टाइप में तो न्यूमल क्यों चाहिए हम लोग को फिर। बोलते ना मैगबार बहुत पावरफुल है फाइट टाइप पोकेमॉन्स में। यार प्लीज मैगमार दे दे, नहीं देंगे ना लोग मैगमार, मेरे को नहीं लगता। पूरा न्यूमल का इलाका है लगता है ये। ये क्या है, ये कौन सा पोकेमॉन है भाई, टॉर्कोल। क्या करूँ इसका, ये भी सही लग रहा है यार। नहीं नहीं रुकेंगे, रुक के देखेंगे और भी पोकेमॉन मिल सकते हम लोग को। अब दो टाइप के मतलब दो अलग अलग पोकेमॉन मिले हम लोग को, नमल और टॉर्कोल। नमल ज़्यादा है फिर भी इधर, मैं सच बोलूँ ना देखने के लोग विकसित किस में होते हैं, नमल का तो पता है मेरे को, टॉर्कोल तो शायद विकसित नहीं होता है, इवोल्यूशन नहीं लेता है वो। चलो अंदर जाकर देख कर आते हम लोग। अरे यार ये लड़ाई कर लिया मैंने तो, चलो ठीक है लड़ लेते ना, लड़ के आगे बढ़ते। सुमिश यार वापिस, इसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा अटैक मारूं मैं, ये सुला देगा मुझे कोई भी अटैक मारूंगा तो। इसको विंग अटैक मार के देखेंगे। चलो रोजिलिया नहीं मार देंगे, चलो रिंग अटैक। तो मैं क्या सोच रहा था गाइस कि पहले हम लोग टावर एक्सप्लोर करेंगे, पर फिर हम लोग यहाँ से आगे आ गए। अभी हम लोग ये पूरा आगे जाकर देख के आते हैं कि यहाँ पे क्या स्टोरी अनफोल्ड होती है। यहाँ चेकआउट करने के बाद अपन वेरेंट ऑफ टाउन जाने से पहले टावर भी चेकआउट जरूर करेंगे। तो देखते ना यहाँ पे क्या लफड़ा है पहला। चलो
मार दिया, इसको भी हराना पड़ेगा। फायरी पैथ बहुत सही है लगता है, बहुत वहाँ पर अपने को कुछ खास पोकेमॉन दिखे नहीं, न्यूमल और दूसरा हो ना टॉर्कोल ही दिखा, तो देखते हैं अभी। मैं चाहता यार मैगमार मिल जाए ना, बस काम हो जाएगा यार अपना, या फिर और कोई पायरोर भी मिल गया तो सही है, पर पायरोर तो है ही नहीं ना ये जनरेशन में, पायरोर है ही नहीं ना, वो भी है। स्लगमा, स्लगमा अच्छा फायर टाइप पोकेमॉन है स्लगमा भी। स्लग है, अभी आगे बढ़ते हम लोग, ये घास में देखते हैं कौन सा पोकेमॉन मिलेगा अपने को। तो अच्छा पोकेमॉन मिल जाए, पोकेमॉन ही नहीं आ रहे। पोकेमॉन पोकेमॉन, अरे कोई है कि नहीं घास में, न्यूमल ही मिल रहा है मतलब, क्यों यार और कोई पोकेमॉन नहीं है क्या? न्यूमल भी ना, ओ भाई एम्बर, समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूँगा। न्यूमल को पकड़ू नहीं पकड़ू, मेरे को लग रहा है कि अगर मैंगमार मिलता है ना आगे, ऐसा नहीं कि न्यूमल वीक पोकेमॉन है, पावरफुल पोकेमॉन तो है वो, बट फिर भी सैंड टाइप है शायद, प्लस न्यूमल फायर टाइप है, तो मेरे को दो पावर टाइप मतलब, ये हम लोग को दोनों मोड का मिलने वाला है पोकेमॉन, फायर और सैंड। क्या है ये इजबेल, ओ भाई क्या कुछ भी कॉल करे कुछ भी बोलते यार लोग। ठीक है भाई, मेरे को नहीं लड़ना है इनसे यार, बहुत लड़ लिया। कौन है ये? तीन पोकेमॉन है यार इस हरामी के पास, इलेक्ट्रैक सेंड करेगा ये। ठीक है ना भाई, कौन सा अटैक मारेंगे इसको? फिंगर अटैक, लो टाइम ले लेगा यार फुकट। लो अब तो पैरालाइज भी मार लिया, बहुत बढ़िया भाई, ट्राई हार्ड कर रहा है पूरा बंदा ये। नहीं मरने वाला ना ये, अच्छा आसानी से नहीं मरने वाला ये। अब मरेगा, बहुत बढ़िया, हाँ भाई चेंज तो करना ही है, अभी कड़ावरा यूज करेंगे हम लोग। साइबीम मरेगा, मरा, चलो। तो मेरे को लगता है आज के एपिसोड में हम लोग पोकेमॉन पकड़ेंगे नहीं, शायद मैं ऑफलाइन पकड़ लूँ एक पोकेमॉन तो पता नहीं, तो मैं देखूँगा अगर ऑफलाइन अपने को मैगमार नहीं मिलता आगे जाकर तो मैं न्यूमल ही पकड़ लूँगा गाइस, आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि तो अगर हम लोग पोकेमॉन ढूंढने के लिए हम लोग आगे आ गए, अब हम लोग कितने ट्रेनर से लड़ना पड़ा, और एक दूसरी टीम से भी हम लोग मतलब देखिए दूसरी टीम से भी हम लोग मिले, तो वही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अगर मैगमार या और कोई फाइट टाइप अच्छा पोकेमॉन नहीं दिखा तो मैं न्यूमल पकड़ लूँगा, न्यूमल स्ट्रांग है ना इसलिए, तो देखते हैं अभी मैं जब ट्रेन करूँगा ना पोकेमॉन को तभी।
घास में अगर मिल गए तो। सही है। कर लो रजिस्टर कर लो। ये बंदा तो फिर भी अच्छा ही लड़ा बाकी सबसे। अच्छा पूरा हम लोग अंदर से वो सैंड वाला जगह ना वहाँ से पूरा ऊपर जाकर पार करके हम लोग। सही है। तो गाइस अभी वीडियो थोड़ा और लंबा बन जाएगा हम लोग और खेले तो। ऐसे भी शायद 25 मिनट का तो बन गया रहेगा अभी तक। तो आपको यहाँ तक की वीडियो ये पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।